साथ मजाक हो जाता है। तो एक तरफ से आपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को खोखला कर दिया, और उस खोखलेपन का जिनाब वीरी साहब ने भी जब पहले दिन अपने ग्रांट्स पे जवाब दे रहे थे, उन्होंने खुल के कहा, कहा कि जिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग में चीफ मिनिस्टर खुद ना हो उन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग का फायदा ही नहीं है। कहा कि मैं गुजारिश कहा था वीरी साहब ने कि आई विल रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर दैट शी शुड चेयर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग्स। लेकिन जहां आप गई, जहां आपने कमिटमेंट किया, उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अगर रिसोर्सेज रखे ना गए तो फिर आप अवामी दरबार में करें, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग में करें, उनका नतीजा तो वही होगा। एमएलए की इंस्टीट्यूशन का आप ख्याल रखिएगा। इस बात का एहसास यहां आके हो जाता है। मुझे याद है मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिपार्टमेंट का रिव्यू, मैं सब डिपार्टमेंट्स का रिव्यू ले रहा था। अब मैं उस डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे बात चलिए कर ही लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है। आखिर में मुझे अचानक सीएपीडी का याद आया, और मैंने उस वहां पे बैठे हुए सीएपीडी के अफसर से पूछा कि जरा बताएं आपने ये जो नए फेयर प्राइस शॉप्स खोले हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने खोले। कहा जनाब हमने कोई 70 के करीब खोले हैं। मैंने कहा उनकी लोकेशंस का आपने फैसला कैसे किया। कहा जनाब 20 हमने आपसे मांगे। मैंने कहा अच्छा किया, बाकी 50 कहां से आए। कहा जनाब आपसे पहले जो एमएलए थे उन्होंने 50 दे दिए, तो 50 उनके 20 आपके हैं। ये मेरा हाल है। अब वो अफसर उसने गलती से कहा, ज्यादा ही ईमानदार था, लेकिन कह डाला, और वही कह डाला जो शायद हम सब इस चीज का शिकार है कि यहां इंस्टीट्यूशंस को जो है उनको इरोड किया जा रहा है। मेहरबानी करके प्लानिंग और अपने बाकी डिपार्टमेंट्स में इन इंस्टीट्यूशंस का आप ख्याल रखिएगा। हम लोगों से चुन के इलेक्शन जीत के आते हैं, लोगों को कुछ उम्मीदें होती हैं। डोंट बाईपास अस एंड मूव ऑन टू अदर पीपल बिकॉज यू डोंट लाइक आवर फेस एंड यू लाइक देयर फेसेस मोर। यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, यू आर नॉट जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पीडीपी और द बीजेपी। तो मेहरबानी करके इसमें आप अपने अफसरों के जरिए ये वाजिया हिदायत दे दीजिए कि दिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग इसको रोक दिया जाना चाहिए। एमएलए एमएलए है, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, और पीडीपी के एमएलए की इतनी ही अहमियत होनी चाहिए जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। क्योंकि देखिए ना, हमेशा के लिए आप उस तरफ नहीं होंगे, हमेशा के लिए हम इस तरफ नहीं होंगे। शायद एक वक्त आएगा, आना ही है, मैं इस हाउस में हूंगा नहीं हूंगा, आप में से कुछ इस तरफ होंगे। क्या आप चाहेंगे कि हम आपके साथ वही सलूक करें जो हमारे साथ आज हो रहा है। अब आप छोड़ दिए, कोई कहेगा ना आपने भी ये किया, तो छोड़ दो। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, एन आई फॉर एन आई लीव्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आपने तो ये कह के इलेक्शन लड़ा और जीता कि आप हमसे बेहतर करेंगे। अगर आपने हमारी गलतियों को ही दोहराना था, अगर आपने हमारे खराब चीजों को और ज्यादा खराब करना था, फिर तो आप हमें ही वहां छोड़ देते, फिर आपका उस तरफ जाने का इस रियासत को फायदा ही नहीं। एक और अहम महकमा आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने पिछले साल के ग्रांट्स में भी 4-5 चीजों का जिक्र किया था जिसका कोई जवाब नहीं आया। हमने अफसरों में एक अकाउंटेबिलिटी और डेवलपमेंट और डिलीवरी ओरिएंटेड सिस्टम कायम करने के लिए एक रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट आरएफडी जिसको कहते हैं, वो निजाम तैयार किया। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत की तो हमारे अभी के जो
चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उस वक्त मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इस सारे निजाम को तैयार करने के लिए और इसको एक शेप देने के लिए इनका एक रोल रहा। लेकिन उस दिन से लेके आज तक 2015 से 2018 के बाद पता नहीं चला कि इस आरएफडी का हुआ क्या। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इसको पसंद नहीं करेंगे बिकॉज इट शोज यू द डिलीवरी ऑफ डिपार्टमेंट्स। आप डिलीवरी सिर्फ इससे नहीं तोलेंगे कि आपको कितना पैसा मिला और आपने कितना पैसा खर्च किया, आप डिलीवरी भी इससे नहीं तोलेंगे कि आपको कितने किलोमीटर सड़क बनाने थे या आपको कितने स्कूल खोलने थे। देर आर मल्टीपल वेज ऑफ मेजरिंग डिलीवरी इन द सिस्टम, बट फॉर सम रीजन द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैज चोजन टू बेरी द रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट सिस्टम ऑफ असेसिंग परफॉर्मेंस। इसको देख लीजिए, अगर इससे बेहतर कोई सिस्टम आप ला चुकी हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इससे बेहतर आपने इसको किसी बेहतर निजाम के साथ रिप्लेस नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसको आप दोबारा देख लीजिए। ट्रांसफर पॉलिसी की हम बात करें, यह ट्रांसफर पॉलिसी एक कागजी पॉलिसी है, शायद ही कोई ऐसी डिपार्टमेंट होगी जो इस ट्रांसफर पॉलिसी पर जो अमल कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम साहब को भी बहुत सुनना पड़ा इसमें, इन्होंने कहा कि मैं ट्रांसफर पॉलिसी को फॉलो कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो मेरे साथियों ने कहा। लेकिन आप देखिए, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए और देख लीजिए कि कितने मतलब रूटीन में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, महीना, दो महीना, तीन महीना। अगर किसी की किस्मत बिल्कुल अच्छी रही तो शायद 6 महीने, लेकिन लगातार एक के बाद एक ट्रांसफर। आप वेबसाइट पे जीएडी के ऑर्डर देख लीजिए तो ट्रांसफरों के अलावा आपको और कुछ नजर नहीं आएगा। और आप देखिए कितने मतलब फास्ट टर्नओवर में ट्रांसफर्स। हमने ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट का एक निजाम यहां पे कायम किया, उसको और ज्यादा उसका दायरा बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जो इसमें प्लानिंग और जीएडी को इकदाम उठाने थे उठाए नहीं गए। एक्सटर्नल मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराते थे अपने प्रोजेक्ट्स। मुझे याद है हमने एक मोबाइल ऐप बेस्ड ट्रायल के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, उसमें टाइम, डेट और तस्वीर, और हमने ये बीएडीपी प्रोजेक्ट्स के लिए एक पायलट की सूरत में हमने लगाया था कि जहां बीएडीपी के प्रोजेक्ट्स उठाए जा रहे हैं वहां पे इस मोबाइल ऐप के जरिए तस्वीरें ली जाएंगी और उनको सर्वर पे लाया जाएगा, और क्योंकि उन पे कोऑर्डिनेट्स, टाइम, डेट वगैरह सारा वहां पे दर्ज होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। फिर सेक्रेटेरिएट में बैठे बैठे आप देख सकते हो कि बीएडीपी के किस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। ये एक एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम था। मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि प्लानिंग में इसको लेके इसको क्या इसको शेल्फ किया गया है, क्या ये अभी पायलट स्टेटस पे है या क्या इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग कैबिनेट में शायद एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि कैबिनेट आपकी ज्यादा बैठती नहीं है, आपके ज्यादातर फैसले बाय सर्कुलेशन होते हैं और बहुत अहम फैसले आप बाय सर्कुलेशन करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है शुरू में हमने भी इसमें थोड़ी लापरवाही दिखाई, लेकिन आहिस्ता जब हमें पता चला कि वाकई कैबिनेट में बैठने का जो फायदा इस रियासत को होता है, उसके बाद मेरी कोशिश रही कि महीने में कम से कम 3 कैबिनेट मीटिंगें हों, चाहे एजेंडा हो ना हो। हमने ऐसी कैबिनेट मीटिंगें की जहां पे हमारे पास एजेंडा नहीं था, लेकिन हम बैठे क्योंकि हालात के बारे में हम चाहते थे कुछ बात करें, और हमने ये कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी